हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, हल्का सा अंधेरा है, मॉर्निंग हो गई है, मैं उठ चुकी हूँ फ्रेंड और किचन में आ गई हूँ। तो बने रहिएगा, ब्लॉग पूरा ब्लॉग देखिएगा। और आज है मंडे, तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। किचन में एक बार हम कपड़ा मार लेते हैं, फिर से साफ़ कर लेते हैं और बच्चे जाएंगे स्कूल, दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे। और यहाँ पे हमने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले हम किचन में झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद हम पूरे घर में लगाएंगे। जैसा मेरे पास टाइम होता है वैसी मेरी झाड़ू चलती है। जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तब मैं धीरे धीरे लगाती हूँ, और जब मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं बस जल्दी 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 लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू यहाँ पे लग रही है, और बेटी को भी मैंने उठा दिया है। तो कितनी भी जल्दी करो, हमेशा यही लगता है कि मुझे ये लगता है कि देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, क्योंकि अब 6 बजे भी अंधेरा रहता है। देख लीजिए, अभी 6 बजा नहीं है और मैं उठ गई थी, 5:15 पे उठ गई थी। तो मैंने उससे पहले का वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि मैं बेटी को उठाने चली गई थी। लगभग हो चुका है 5:40, तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग रही है यहाँ पे। और फिर मैं उससे कह रही हूँ कि बाहर जाओ, घूमाओ जाके थोड़ी देर, उसके बाद नहलाएंगे। तो बस बाहर का ना आज बहुत उमसी हो रही है, बिल्कुल भी बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। गर्मी इतनी हो रही है, 2-3 दिनों से इतनी उमस हो रही थी कि बाहर निकलते ना मॉर्निंग में थोड़ा अच्छा लगता है एकदम, तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि थोड़ी सी हवाएं चलती हों और बाहर निकलो तो एकदम फ्रेशनेस महसूस होती है, माइंड फ्रेश, वो कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था बाहर। तो फिर उसके बाद हमने झाड़ू यहाँ पे लगा ली थी, सब में लगा ली थी, ड्राइंग रूम में लगा ली थी। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर से मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो बहुत दिन बाद मैंने आपके साथ ये मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर किया है, और इससे पहले तो मैं बहुत पहले तो हाँ शायद मैंने शेयर किया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एप्पल निकालती हूँ क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ होता है, एप्पल ठंडा होता है। बोतल मैंने शाम को ही धुल के रख दी थी दोनों बच्चों की। तो यहाँ पे एप्पल ना जब तक बेटी खाएगी या लेके जाएगी तब तक वो नॉर्मल हो जाएगा अपना, ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म होने के लिए रखूँगी। अब मुझे आज थोड़ा टाइम मिल गया है कि मैं उसके स्कूल जाने से पहले पानी पी सकती हूँ। उससे पहले मुझे कभी लेट हो जाता था ना तो पानी मैं नहीं पीती, क्योंकि पानी पीने में थोड़ा आराम आराम से पीती हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ पानी पीने। यहाँ मैं सबसे पहले आटा लगा लूँगी। अब आज मुझे क्या बनाना है, लंच तो लेकिन हो सकता है आज लेके भी जाए, तो आगे देखिए। पराठा खाना है, जैम पराठा दोनों बच्चों को आज, तो पराठा बना और जैम पराठा लेके जा रही है, तैयार हो गई स्कूल के लिए, बेटी जा रही है। अब मैं उसके लिए फटाफट जल्दी जल्दी, देखिए ये मैंने पराठा बना दिया, पराठा जैम लगा देती हूँ इसमें और बाद में मिलती हूँ। वैसे तो लंच लेके नहीं जाती है, लेकिन एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम, तो आज वैसे भी हाँ 11:30 बजे तक आएगी, तो मैं इसके लिए रख दे रही हूँ आज जैम पराठा। इस टाइम जैम आ नहीं रहा है, विंटर के सीज़न में अच्छा आता है, मतलब मिल जाता है जल्दी। तो अभी देखते हैं। दक्ष बहुत दिनों से कह रहा था कि हाँ मुझे जैम पराठा खाना है, जैम पराठा खाना है। तो जल्दी 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 कपड़े फैले पड़े क्योंकि गीले थे, सब इसी में फैला दिए। कैसा लगा जैम पराठा? फ्रेंड और दक्ष हमारे उठ चुके हैं, दक्ष अभी खेल रहे हैं, दक्ष थोड़ा खेलेंगे फिर स्कूल जाएंगे। तो दक्ष को मैं दिखाती हूँ। दक्षू खेल लिए, नहाओगे नहीं? जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम से पहुँचना है ना। जेसीबी से खेल रहे हो हैं? जोड़ भी दिया, वाह, तुम जोड़ते रहो, हम अपने काम कर लें। आप
तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी किचन में। हाँ, तो दक्ष को तो उठा ही दिया था। दक्ष थोड़ी देर अपना खेला जेसीबी से, खिलौनों से। उसे अच्छा लगता है, सबसे पहले उठता है, वो खेलता है। मैं उसको पहले ही उठा देती हूँ, इसीलिए फिर उसे पानी देती हूँ, उसके बाद उसको नहलाती हूँ, फिर तैयार करती हूँ। देखिए मेरा सूट गंदा हो गया, मैं बता रही हूँ कि मैंने सिंदूर लगाया और पसीना आया तो इतना मुझे एकदम कपड़े में रंग आ गया है। तो ये ना कि आज मुझे गर्मी लग भी रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और इतनी उमस हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जल्दी उठने का फ़ायदा पूरा उठाया जाए, क्योंकि मैंने सोचा मैं जल्दी भी उठ गई हूँ तो क्यों ना मैं नहाऊँ, और कपड़े भी मैंने थोड़े धुल भी लिए, जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। फिर मुझे वीडियो का भी थोड़ा एडिटिंग करने का भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, और फिर दक्ष को स्कूल लाना है, ले जाना है, लाना है, तो यही है ना। फिर बाद में पानी भी चला जाता है 10 बजे तक। और आज मंडे है, मंडे में मुझे थोड़ा टाइम लगता भी है नहाने में, सिर धुलना है, बाथरूम साफ़ करना है, थोड़े कपड़े भी है, और भी काम है, तो बाल सब मतलब हो ही जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मंडे में थोड़ा टाइम लगता है नहाने में। तो यहाँ दोनों बच्चों के लिए पराठे बनाए, देखिए हमारे दक्ष बेटू भी आ गए हैं तैयार होके, और हस्बैंड के लिए ब्रेड खाना है, कह रहे थे कि मुझे ब्रेड खाना है, फिर बोले कि मुझे पराठा भी खाना है, मैंने उनके लिए पराठा भी बनाया, फिर बोले कि मुझे आज चाय भी लेनी है, फिर मैंने चाय भी बनाई है। अब उनकी डिमांड एक से एक बढ़ के चली आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हम लेट ना हो जाए, दक्ष के लिए लेट नहीं हो जाए। और दक्ष को सबसे ज़रूरी कि दवाई खिलाना है, दवाई खिलाने से उससे पहले उसे कुछ ना कुछ खिलाना है, तो इसीलिए तो दक्ष कह रहा है कि मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा, वो सोच रहा है कि मेरे लिए बना रहा है, तो मैंने कहा मैं आपके लिए नहीं बना रही हूँ। तो देखिए हमारा किचन का हाल इस टाइम और सुबह सुबह। तो यही है ना कि जितनी जल्दी उठो उतनी जल्दी काम से भी फ्री हो जाओ, यही है। तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठे हैं तो जल्दी से जल्दी काम निपटाया जाए। तो देखिए एक साइड में हमारा ब्रेड सिक रहा है, एक साइड में पराठा सिक रहा है, और जैसा भी ब्लॉग बनना है मैंने आपके साथ शेयर किया है, जैसा भी बनना है। बस हड़बड़ाई में हमेशा, मैं तो हमेशा ही जल्दी में रहती हूँ क्योंकि मेरा काम यही है। पता नहीं गैस जला के मैं इधर हो गई थी, अब फिर से तो यहाँ पे अब मैं उनके लिए लगा दूँगी। नहीं, उनके लिए तो मैं दे आई थी, और नहीं अब ले जा रही हूँ। हाँ, तो बाद में वॉइस ओवर करो ना तो कुछ समझ में ही नहीं आता यहाँ। आज रात में हम भी नाश्ता कर ले रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी में है। तो देखिए हमने ब्रेड भी सेक लिया, पराठा भी, अब जा रहे हैं हस्बैंड के साथ आज नाश्ता। तो हमने कहा आप दक्ष को दवाई खिला दो और तब तक मैं जल्दी जल्दी और काम कर लेती हूँ। तैयार कर दिया है, पूरे 9 बज गए हैं, मैं लेट हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ दक्ष को छोड़ने के लिए। दक्ष बाहर निकल चुके हैं और मैंने स्कूटी निकाली है, दक्ष का बैग, अब चल रहे हैं दक्ष को छोड़ने, उसके बाद मिलते हैं आके। दक्ष को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ, अब मैं काम कर लेती हूँ। किचन का सारा काम फैला पड़ा है और कपड़े गीले हैं, वो डाल के आऊँगी और कुछ चीज़ें धूप में सुखाने के लिए रखूँगी, कुछ कपड़े धुलूँगी और जो कुछ कपड़े तय बनाने को भी हैं तो वो कपड़े मैं तय करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी बहुत सारा काम है, कर लेते हैं। और बेटी भी आने वाली है उसका, हाँ वो आ जाएगी, ठीक है। फिर मुझे खाना भी कुछ बनाना है। चलिए अब बाद में। स्कूल से आते आते सीधे किचन में घुसता है और ना ड्रेस उतारा है ना कुछ, बस सीधे किचन में। ड्रेस चेंज करो, बहुत गर्मी हो रही, सबसे पहले फैन ऑन करो। आज मैम ने मुझसे कुछ कहा, जल्दी क्या कहा अभी? ऑन कैमरा बताओ, सबको पता लगनी चाहिए, ऑन कैमरा होना चाहिए सबको। हम रियल ब्लॉग बनाते हैं, जैसे हैं जैसे हैं हम वैसे दिखाते हैं सबको, हम कोई बनावटी नहीं करते हैं, हमारा ये रियल ब्लॉग है, ठीक है। मैम ने बोला ट्रांसपेरेंट पैंट्स लेके आया। अच्छा, तो कह देती ना कि हमारा लास्ट रह गया है। देखिए फ्रेंड, मैं सारा काम करके निपटा के फिर से किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने कहा लौकी दाल बनाऊंगी, बेटी आ चुकी है स्कूल से, तो लौकी का हमारा देखिए क्या हाल हुआ है, फ्रिज में रखे रखे लौकी को। हाँ, लौकी पतली दाल में बनाना है, किसी दाल में नहीं बनेगी लौकी, देखो भरता नहीं, खराब हो गई है, देख सकते हैं फ्रेंड। देखिए लौकी के मोटे मोटे बीज हो गए हैं, अलग अलग मतलब बीज हो गए इसमें, और लौकी भी खराब हो गई, अब समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए क्या बनाए।
बेटी कहती है लौकी की दाल खाऊंगी नहीं पीऊंगी, लेकिन नहीं आज उसे ना खाने को मिली ना पीने को मिली। और स्कूल से आती देखे क्या हाल करा, सैंडविच बना के खाया, बटर निकाल के बाहर रख दिया, स्पून भी गंदी करके रखी। अब मैं जा रही हूँ इसको गाय को खिलाने के लिए, गाय आ जाएंगी बाहर रख दूंगी तो गाय खा लेंगी। सब दिखाना वो उधर रखा है, उधर जो रखे वो भी दिखा देते हैं, और वो मिर्च भी दिखा देते हैं। चलो अब इसको वो सब दिखाते हैं हमें। अब मैं सारी चीजें रखी हैं सबके सुखाने। ये देखो ये चने हैं, वो उधर दाल रखी है दोनों में, और ये क्या है? ये दलिया है। अच्छा ये दलिया है, और ये इधर रेड चिली है, पता नहीं ये खुली मुड़ी है, पता नहीं कैसी हो गई, सूख गई है लगता है ये भिंडी की तरह। हाँ और पूरी की पूरी भीड़ लगी है इधर इनकी, और मम्मी बनाएंगे बेसन के लड्डू जिसके लिए हैं चने। इसको साफ करेंगे छिलके हटाएंगे। हाँ छिलके को ज्यादा ही हटाने पड़ेंगे इनके। हाँ ओ भाई एक चना खाते हैं चलो। अच्छा था ये तो। अब हम आ गए हैं रूम में सोने के लिए, दक्ष बेटू हमारे सो नहीं रहे हैं, और दोपहर से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है। लौकी काटी थी पर लौकी तो खराब निकली थी, उसके बाद हमने बनाए थे बच्चों के लिए दाल चावल। अब शाम का खाना बन गया है, खप गया है, सारा काम हो गया है। अब हम रूम में आ गए हैं फ्रेंड, और छत पे आपने देखा होगा छत वाली जो दक्ष ने ब्लॉगिंग की थी, दक्ष को खांसी आ रही, दक्ष सो नहीं रहा, नींद भी आ रही पर सो नहीं रहा है। छोटे बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए। बेटू आओ दिखाएं, आ जाओ इधर आओ थोड़ा सा। ओहो चलो बात करो बेटू फैमिली से, बात करो करो। हमारे दक्ष के बाल छोटे हो गए हैं ना, आर्मी कटिंग हो गई है, फौजी बन गए हैं हमारे दक्ष बेटू, तो कह रहे हैं ऐसा तेल लगाना जो बाल जल्दी जल्दी बड़े हो जाए। तो हमने सीक्रेट तेल लगाया, कौन सा लगाया बेटू बता दूं? नहीं मुझे पता है। नहीं नहीं यूट्यूब फैमिली को बता दूं? नहीं मैं बता देता हूं। अभी मत बताओ यार, मजाक बनाएंगे सब अगर नहीं बढ़ेंगे तो। हाँ अभी नहीं बताना ठीक है। देखो अब रात में देखते हैं कितने बड़े हो जाते हैं, मॉर्निंग में दिखाएंगे। चलो अब आप बोलो बोलो है क्या हुआ? नहीं बोलना कुछ। दक्ष की बातें अच्छी लगती हैं। चलो दक्ष बात नहीं करेगा, अब हम दक्ष को सुला दें फ्रेंड, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए गुड बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में भी मिल सकते हैं, और हो सकता है ये ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाए, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं फ्रेंड। चलो तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ जो चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दक्ष बेटू को बाय बाय करो, बाय बाय सो जाओ जल्दी सुबह स्कूल।